अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसी है? उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इस वक्त हम शुक्रान से सफ़र करके मुजफ़्फ़राबाद आए। मुजफ़्फ़राबाद का व्यू चेक करो, बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। और ठंड ठंड तो बहुत हो रही है भाई, बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है। रात को बहुत थके हुए थे इसलिए इतने वीडियो नहीं बना पाई, और इसलिए वीडियो नहीं बना पाई थी। और अब मैंने कहा सोचा थोड़ा सा आपको होटल का व्यू दे दूं, तो अब यार देखें मैं बैक कैमरा करती हूँ। अब हम यहाँ से रात को जब होटल से आए थे तो होटल अंधेरा हो रहा था, इसने ज़्यादा व्यूज़ का समझ में नहीं आया था हम लोग को। अब ये देखें आप इसका व्यू चेक करें। और अब हम दोबारा से तैयार होकर अब मरी के लिए रवाना हो रहे हैं। और अब मरी तक का सफ़र जैसा रहेगा मैं आप लोग को अपडेट देती रहूँगी, आप लोग को बताती रहूँगी। जयान 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 बैग उठाओ, आओ जयान, आओ बेटा बैग उठाओ अपना, आओ बेटा जल्दी से आओ बैग उठाओ। यही तो मैं कह रही हूँ, देखो यार किस तरीके से ये सब देखें आप किस तरीके से इसकी खूबसूरती। और बाहर से तो और भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ से मैं नहर दे दिखाती हूँ आपको, ये नहर बह रही है, ये नहर बह रही है पूरी वहाँ से माता की नहर बह रही है। और इस नहर का व्यू आप चेक करो, ये हमें सफ़र में ही जब हम आए थे अपने कहाँ से कितनी दूर से व्यू नहर बहती हुई हमें नज़र आई। और अब हमारा मंजिल यहाँ पर पहुँची है, तो यहाँ तक नहर ही नहर है। और पहाड़ों पे इस तरीके से खूबसूरती से घर बने हुए हैं और कलरफुल घर हैं, सबके घरों की छतें जो है ना वो कलरफुल हैं, तो और भी खूबसूरत लग रही हैं। बहुत अच्छा है ये मुजफ्फराबाद का भी एरिया, बहुत अच्छा है। यहाँ से हम लोगों ने होटल छोड़ दिया है, और होटल का ये नाम था किंगडम। अब यहाँ से हमने एक रात छोड़ दिया है, अब यहाँ से हम खाली करके अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं मरी। और ये होटल की फुल लोकेशन है हमारी, ये होटल की फुल लोकेशन है। ये होटल था हमारा, इसमें हम लोग आज हमने रात स्टे की थी। अब सुबह होते ही हम लोग मरी के लिए निकलने हैं। अब ऐसे ही हर सफ़र चलता रहेगा इंशाल्लाह, फिर मुलाकात करूँगी मैं आपसे मरी में। और ये यहाँ का व्यू चेक करें, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। एक तकरीबन 8:30 बजे का टाइम हो रहा है सुबह का, और अभी भी धुंध ख़त्म नहीं है और ठंड की मकदार बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर अफजाल खड़े हैं और अफजाल का धुआं देखें कैसा निकल रहा है, जिस ध्यान दे जान के गाल देखो कैसे गुलाबू हो रहे ठंड से। और यार सुभान भाई देखो अपना टोपा पहने खड़े हैं, उनका धुआं देखो कैसे निकल रहा है। हम करा एक देखो इतनी सर्दी लग रही है इनको कि एक हाथ में ग्लव्स पहने हुए और एक हाथ में ग्लव्स पहनने ही भूल गए। ये सूरज निकलते हुए कितना अच्छा लग रहा है, सूरज माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सूरज लुक देखिए आप कितना जबरदस्त लग रहा है। और ये अभी हम लोगों ने ना शीशा खुला हुआ नहीं गाड़ी का, तो अंदर से ही मैं वीडियो बना रही हूँ। हम लोग मुजफ्फराबाद से निकले और फिर उसके बाद कश्मीर आज़ाद कश्मीर की तरफ, और यानी कि कश्मीर का एरिया और पीर चुनासा पता नहीं कौन किसी का मज़ार आता है उसकी, वहाँ के साइड पे हम लोग गए। और फिर वहाँ पर हम लोग को मिली बहुत ज़बरदस्त स्नो पर बारिश, जो कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में आप दिखा दूंगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को। और यहाँ अभी हम लोग जो पहुँच गए हैं, यहाँ पहुँच गए हैं हम क्वाला बीच।
क्वाला बीच में बहुत जबरदस्त सा व्यू है, ये देखो आप लोग, बहुत जबरदस्त सा व्यू है क्वाला बीच में। मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ बैक कैमरे से, पीछे ये हमारा क्वाला बीच है, देखिए आप इसका जबरदस्त सा व्यू देखें क्वाला बीच का। और ये जबरदस्त, अभी हम लोग इसके नीचे भी उतरेंगे और जाएंगे, साथ साथ हम लोग जाएंगे और फिर देखें क्या खाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो मछली है ना वो बहुत ज़बरदस्त सी है यहाँ की मछली, और हम लोग अब मछली खाएंगे यहाँ पर आकर। और यहाँ ना बहुत ज़बरदस्त सी बारिश हो रही है, जैसे रिमझिम बारिश हो रही है, बहुत ज़बरदस्त सी बारिश हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर बारिश भी इंजॉय कर रहे हैं, ठंड भी इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ का व्यू भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और जिसका इरादा है आने का वो आ जाए जल्दी से। और वहाँ अफजाल जो है ना पकौड़ों का, मछलियों का ऑर्डर कर रहे हैं, और यहाँ मैं जाती हूँ अभी देखने कि किस तरीके से वो पकौड़ा बना रहे हैं। जयान को देखो, उसकी अंगड़ाइयाँ कैसी आ रही है। किस चीज़ का ऑर्डर करा आपने? अच्छा, ये है और ये अंकल जी ये बना रहे हैं। अंकल खाओ खाओ, ले लो ले भाई, आ गया। हाँ यार, जाने दे रहा हूँ, कमाल समीर जी अम्मी को लेकर आएगा। अंकल आप यहाँ पर कब से बना रहे हैं? आप यहाँ पर कब से हैं? एक दिन, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए आपको यहाँ पर, माशाल्लाह। समीर सब रखिए, दस साल से रह रहे हैं अंकल यहाँ पर, 10 साल से पकोड़े बेच रहे हैं अंकल यहाँ पर। सही बात है अंकल। तो आपकी रिहाइश किस साइड की है? यहीं की है, यहीं पे रहती है पहाड़ों पे ही। सही है, चलो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। आओ समीर भाई, नहीं मैं नहीं खाता, मेरे पापा ने पूछा था। आ जाए बाजी, आप दोनों बैठा देते हैं आराम आराम से, नीचे उतरना जैनब, जैनब हाँ हाँ आराम आराम से, आराम आराम से। अब यहाँ हम लोग नीचे उतरने लगे हैं और अब देखेंगे बच्चों को, आराम आराम से उतरो बेटा, आराम आराम से। और अब मैं वीडियो बनाऊंगा, बनाऊंगी आराम आराम से, आराम आराम से। चलो बाजी मरी बनो, दो ही रहेगा अम्मी और रिदा है, खाली दोनों को लेके आ जाता। बता ले दूसरे हाथ से ज़ैनब का हाथ पकड़ लो। अकेली बैठी है दोनों। आ बेटा इधर ज़ैन, ज़ैन आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से चलो, आराम आराम से चलो। बबी आप ही नहीं आई? मैं नीचे उतरना है लोगों को बड़ा मुश्किल हो गया।
आए फिर अभी चल लेंगे। देखो मुंह से बड़े हैं समीर, तो मेरी वीडियो में यहाँ पर हम आ चुके हैं और अभी हम लोग मछली का ऑर्डर दे चुके हैं हम लोग, और अब इंशाल्लाह मछली आ जाएगी तो फिर वहाँ का हम जायका भी दिखाएंगे आप लोगों को, मछली का कैसा जायका है। और मैं बैक कैमरे से आप लोग को कौन है ये जैनब को देखे, जैनब पत्थर फेंक रही है, ये वाह जरा मजा आ रहा है जनाब। ये कहता और यहाँ लग करने लगे हैं बातें फोन पे, और ये सब आ चुके हैं और अब एंजॉय कर रहे हैं, सब अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं। वाह जबरदस्त है ना, जबरदस्त। हम भी झील में मछलियाँ भी होती हैं। हाँ ना मछलियाँ भी होंगी बेटा इसमें तो, झील में बड़ी भी होंगी। हाँ बड़ी भी मछली होंगी, छोटी भी होंगी। मॉम डैडी होंगे जैसे आप दोनों, मेरे मॉम डैड। हाँ मॉम डैड होंगे, उनके छोटे बच्चे भी होंगे, बहुत सारी मछलियाँ होंगी। हाँ मछली के पास तो मैं उस घर तक जा सकते थे, उधर तुम्हें बोले मैंने घर तक सही। जेबों में हाथ डालो मुनी, जेबों में आपने ग्लव भी नहीं पहने ना, जेबों में हाथ डालो। हाँ जेबों में हाथ डालो। आपका ड्रेस अच्छा लग रहा है जैनब का ड्रेस, पूरा अच्छा लग रहा है जैनब का ड्रेस। नहीं 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 भीग जाएगा, भीग जाएगा, उतारना नहीं है, भीग जाएगा बिल्कुल भी उतारना नहीं बेटा, भीग जाएगा। बहुत ठंड हो रही है, बारिश बहुत हो रही है, धुंध देखो कितनी छा रही है धुंध, और जब हम ऊपर थे तो तब बर्फबारी हो रही थी और यहाँ पर बारिश हो रही है, कितनी धुंध छा रही है। हाँ हम दुआ करते मम्मी के बर्फ की जगह पे बारिश हो गई, और यहाँ पर हम लोगों ने ना फिश ऑर्डर की थी और ये फिश आ चुकी है। फिश टन टन देखने में तो कितनी यमी लग रही है, बहुत क्रिस्पी लग रही है फिश तो। ये फिश वाला ये रहा अभी फिश जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, मैं आपको हाथ नहीं 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 झील के पानी से नहीं धो। चलो आ जाओ से सब कर लो। चलो अफजल मेरी बात सुन, यहाँ पर ही मछली हम खाने लगे, ऊपर बैठ मजे की मछली। आजा आजा, अरे यार इसके अंदर वो भी डाली तुम लोगों ने, छोड़ तू उसको, बैठो 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 जल्दी आ। यहाँ हम लोगों ने खाया पिया मज़ा करा, और आज तक का मेरा व्लॉग सिर्फ इतना ही था। फिर मिलूँगे नए वीडियो में नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और गला बहुत ख़राब है इसलिए वॉइस ओवर करने में बहुत मसला हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, तो
दुआ मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे को अल्लाह हाफिज़।